अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज जी मौसम बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर मौसम हुआ हुआ है, बारिश होने वाली है। तो आज मैंने सोचा कि क्योंकि इसी मुनासबत के साथ हम आज कोई चीज़ पकाएं, तो आज मैंने रेनी डे के हिसाब से मैं आज बना रहा हूँ रेनी सैंडविच बना रहा हूँ। लेकिन सैंडविच शुरू करने से पहले, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। और दूसरा ये कि सब्सक्रिप्शन जो है बिल्कुल फ्री है। इसके साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर में मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा जी। अब कुछ देर किए बगैर हम जल्दी से देखते हैं कि आज जो हम सैंडविच बना रहे हैं उसके अंदर किन किन इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत है, चलें देखते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जी, रेनी सैंडविच के लिए जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो दर्जा ज़ैल है। सबसे पहले हमने ये बनाया जी मटेरियल, ये किस तरह बना, जो इसके अंदर हमने फिलिंग भरनी है, ये फिलिंग है। फिलिंग किस तरह हमने बनाई है, चलें जल्दी से क्विक रिव्यू देखते हैं इसका। ये आप हमने जी एक फ्राई पैन लिया, फ्राई पैन के ऊपर हमने घी डाला, घी मैंने 3 से 4 चम्मच लिया है। उसके अंदर आप ये हम सारा चिकन जो है ना वो आपने डालने लगे, ये चिकन मैंने डाल दिया। अब साथ ही हमने ये प्याज डाल देना चॉप किया हुआ, ये प्याज डाल दिया। अब हम नमक डालने लगे हैं जी, अब हम काली मिर्च डालने लगे हैं। इस पॉइंट पर हम इसके अंदर टमाटर डालने लगे हैं जी। अब शिमले की मिर्च डालेंगे इसके अंदर हम जी। अब ये शिमले की मिर्च जो हमने काटी हुई है ये हमने इसके अंदर, अब ये हो गया जी। अब इसके अंदर हम अपना सोया सॉस डालेंगे जी, ये सोया सॉस है, ये थोड़ी सी सोया सॉस डाल दें, ठीक है। उसके अलावा ये हम थोड़ी सी ये चिली सॉस डालेंगे, ये हमने थोड़ी सी चिली सॉस डाल दी। अब इसे हम थोड़ा देर पकाएंगे। अब ये मैदा जी हमारे पास, अब ये मैदा मैं 2 चम्मच मैंने लिया था वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब ये हो गया। अब इस पॉइंट पर ये दूध है हमारे पास, हम इसके अंदर दूध डाल देंगे अपना। अब ये हमारा पक गया। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, जब ये अच्छी तरह ठंडा हो जाएगा फिर हम इन्हें सैंडविच के ऊपर लगाएंगे। अब मैंने ये बना लिया जी, उसके बाद मुझे ब्रेड चाहिए। ब्रेड के मैं बड़े पीस इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसे सैंडविच ब्रेड कहते हैं, इजीली मार्केट में अवेलेबल है। आप चाहें तो ये ले सकते हैं, चाहें तो छोटी ब्रेड आम वो ले सकते हैं। इसके अलावा हमें 2 अंडे चाहिए जी, वो अंडे ले लिए मैंने, 1-2 जितने भी आपको रिक्वायर हो। उसके बाद ये हमें एक गोल बर्तन चाहिए जिसके साथ हमने इस स्लाइस को काटना है, तो वो मैं ये एक बर्तन इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब देखते हैं कि आगे क्या करना है। अब ये देखें जी, ये हमारे पास हो गया ब्रेड, उसे ये सेंटर में कोई भी आपके पास ये चीज़ है ये रख लें, कोई इसके अलावा कोई कटर है तो वो रख लें। इसके साथ आपने इसे प्रेस करना है, प्रेस करने के बाद आपकी ये जो ब्रेड है वो कट जाएगी साथ में से। ये मैंने काट ली, ये इसके उतरे हैं और ये हमारी इस तरह गोल ब्रेड बाहर निकल आई है, ठीक है जी। इसी तरह आपने जितने स्लाइस आपको चाहिए आपने उसे से इस तरह काट लिया। ये अब मैंने दूसरा भी तैयार कर लिया, इस तरह आपने तैयार कर लेना है। जब ये तैयार हो जाएंगे इसके अंदर अब हम फिलिंग भरेंगे। अब ये हो गया, अब हमारे पास ये फिलिंग है,
फीलिंग को अब मैंने उठाना है, ठीक है जी, इसके अंदर भर लेना। ये जो फीलिंग मैंने ये चिकन वाली ली है, ठीक है, आप इसके अंदर पोटैटो वगैरह आलूओं की भी बॉयल करके आलू और साथ में जो भी सब्जी आपको पसंद हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें जी, ये हमारी फीलिंग आप इसके अंदर भर गई है, ठीक है। और फीलिंग भरने के बाद अब मैं जो इसका ऊपर वाला स्लाइस है वो मैंने ले लिया, ये देखें। इसे लेने के बाद इसको इसके ऊपर इस तरह रख देना। अब ये देखें, ये हो गया जी, ये फीलिंग तैयार होगी। अब उसके बाद मैंने क्या किया, अंडा लिया, अंडे को इस तरह अच्छी तरह फेंट लिया मैंने। अब ये बन गया, अब मैं इसके किनारों को बंद करूंगा और इसे फ्राई कर लूंगा। ये देखें जी, अब हमने एक बर्तन ले लिया, ठीक है, ये तवा ले लिया, तवे के ऊपर हमने घी डाल लिया। घी डालने के बाद हमारे ये तैयार हैं जी ब्रेड, और साथ में ये तैयार है जी। उसके साथ अंडा हमारा तैयार है, ये देखें, अंडा फेंट कर बड़े बर्तन में डाल लिया। अब इसे डिप करेंगे और इसके ऊपर डालेंगे। इसके किनारे एक्चुअली देखने हैं ज़्यादा कि ये खुल ना जाए। और साइडों पे चाहे आप काम ही लगा लें, कोई मसला नहीं है। ये देखें इस तरह, अब ये जब नीचे से पक जाएंगे दोनों साइडों से, फिर हमने इसे इस तरह इसके किनारे साथ में पकाने हैं। अंडा इसलिए आपने आग इसकी कम रखनी है ताकि ये जल ना जाए, और इसे साइड पर करते जाना है। अब दूसरा हम डालेंगे इसके साथ ही। अब ये देखें जी, आप दूसरा हमने ये साइज मैंने आपको बताए हैं, आप बड़े छोटे दोनों कर सकते हैं। एक मैंने बड़ा बनाया, एक हमने छोटा बनाया, आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखें जी, एक साइड जब पक जाएगी फिर हमने इसे टर्न करना है। ये देखें, अब मैंने इसके अंदर ये किया, इसे रख कर अब मैंने इस तरह इसे काम थोड़ा सा आपने करना है, ठीक है। ये अंडा होता है, आँच नीचे से नॉर्मल रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं आपने करनी। अब ये देखें, मैंने इसे पकड़ना है साइड से, मैंने थोड़ा सा किया इसे साइड पर। अब ये वाले किनारे हमने जो साइड वाले किनारे हैं वो पकाते जाना। अब देखें जी, ये हमारे दोनों पक गए हैं सैंडविच। अब मैं इन्हें डिश आउट करने लगा हूँ, तो डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे, ये देखें, ये साइडों से अब डिश आउट कर। अब ये देखें जी, ये हमारा रेनी सैंडविच तैयार हो गया जी। ये देखें इसके साइड के किनारे कितने ज़बरदस्त हैं, ये देखें, ये ज़बरदस्त है। आपने भी इस साइज़ का बनाना है। ये मेरे पास सैंडविच बड़ी थी तो मैंने उसके साथ ये बड़े बनाए हैं। ये भी देख लें कैसे बने हैं, ज़बरदस्त से किस्म के। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी जी। ये बच्चों में तो बहुत ही मकबूल है, तो घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ जल्दी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा जी। और जिन लोगों ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, और जो सब्सक्रिप्शन है वो बिल्कुल फ्री है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।